जय हिंद। तो मैं डीके यादव आपका फिर से डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि वैसे ही नए वर्ष में भी पुराने वर्ष की तरह शानदार जानदार और जबरदस्त आप होती हैं। आज हम एक टॉपिक लिए हैं कि वर्गमूल निकालना। ठीक है, किसी भी संख्या का देखिए, हमने लिखा भी है कि वर्गमूल निकालना मात्र 5 सेकेंड में, मतलब कि 5 सेकेंड में कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या का भी वर्गमूल किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है तो उसमें दिक्कत होने लगती है कि वर्गमूल निकालना, गुणनखंड करना। और आप लोग भी मेथड जानते हैं कि भाई क्या करते हैं कि दो संख्या को यहाँ पे दो दो संख्या बनाते हैं, युग्म, उसका अंतर निकालते हैं। तो उस तरह से बहुत बड़ा मेथड होता है जिससे समय काफी लगता है। ठीक है, तो हम आज ऐसा मेथड बताएंगे जी सिर्फ मतलब 5 से 10 सेकंड में आप देखते देखते एकदम आंसर मार देंगे। ठीक है, तो अगर इस मेथड को जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर लेना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो दाई देर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो दो बातों को ध्यान में रखना है सिर्फ आपको। ठीक है, मात्र दो कंसेप्ट आपको बिल्कुल लाइन में लिखे, देखिएगा कि नाइन हम क्या लिखे, ट्रिक क्या लिखे हैं यहाँ पे। स्टेप नंबर वन मान के फर्स्ट स्टेप में कि आखिरी दो संख्या किसका स्क्वायर करने पर आती है, मतलब कि आपको जिस संख्या का वर्गमूल निकालना हो उसमें बस आखिरी दो संख्या को देखिए, मतलब कि इकाई के अंक और दहाई के अंक, दो संख्याओं का आखिरी संख्याओं को देखिए कि वो संख्या किस संख्या का स्क्वायर करने पर आती है। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या है कि वो अगर दो संख्या को आपने देख लिया तो एक स्क्वायर का जो आएगा 50 माइनस एक्स स्क्वायर, 50 प्लस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स का स्क्वायर, 100 प्लस एक्स का स्क्वायर। याद रखने का तरीका, एक स्क्वायर मैंने जो संख्या रहेगा वो तो अलग बात है, 50 माइनस एक्स, 50 प्लस एक्स, 100 माइनस एक्स, 100 प्लस एक्स, याद कर सकते हैं। ठीक है ना, कि सबके आखिरी दो संख्या समान होगी। अब इस बात को आपको समझना थोड़ा सा कठिन, समझिएगा थोड़ा सा, कुछ नहीं है, बहुत बिल्कुल आसान है। कि जैसे हम बोले कि अगर मान लीजिए कि कोनो संख्या 7 है, किसी संख्या में आखिरी दो अंक क्या है, 49 है, मान लीजिए कितना है 49। तो अब हम देखेंगे कि 49 किस संख्या का स्क्वायर करना चाहता है, मतलब कि कोई संख्या होगी जिसके आखिरी में क्या होगा, 49 होगा। मान लीजिए कि उसका वर्गमूल निकालना है और हमने आखिरी दो अंक को पकड़ कर ले लिया। ठीक है, अब इस ये 49 किस संख्या का स्क्वायर करने पे आता है, तो देखिएगा 49 हम जानते हैं किसका किसका स्क्वायर करने पे आता है, तो 49 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा भाई 49 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, आप और अगर देखना चाहें तो देखिएगा, अब हमने यही बात लिखा है कि इस सबकी आखिरी दो संख्या समान होगी, माने 7 का स्क्वायर करने पे 49 आ रहा है ना, तो 50 माइनस एक्स, 50 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 43, कितना होगा 43, 43 के स्क्वायर में भी जो आखिरी दो अंक आएंगे वो कितना आएंगे 49 आएंगे। ऐसे ही अगर हम 50 प्लस एक्स करें तो 50 प्लस 7 करेंगे 57 का भी स्क्वायर में भी क्या होगा, आखिरी दो संख्याओं का वर्ग करने पे इसमें आखिरी दो संख्या क्या आएंगे 49 आएंगे। ठीक है, ऐसे ही 100 माइनस एक्स यानी 93 के स्क्वायर में भी 49 आएगा, और 107 के स्क्वायर में भी क्या आएगा 49 आएगा। आप स्क्वायर करके देख सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल 43 के स्क्वायर में भी जो आखिरी दो अंक आएंगे वो कितना आएंगे 49 आएंगे, 57 के स्क्वायर में भी कितना आएगा 49 आएगा, 93 के स्क्वायर में भी 49 आएगा, और 107 के स्क्वायर में भी आखिरी दो अंक कितना आएंगे 49 आएंगे। तो ये कंसेप्ट है कि मात्र दो नियम है, दो टाइप है, कि सबसे पहला क्या है कि आखिरी दो अंक को देखना है, और दो अंक भाई हमने ये भी बोला कि आखिरी दो अंक को देखिए, और दूसरी बात कि वो दो अंक किसके स्क्वायर करने पे आते हैं, तो अगर x के स्क्वायर करने पे आते हैं तो x के स्क्वायर में भी वही आखिरी दो अंक आएंगे, 50 प्लस x में भी वही आएंगे, 50 माइनस x के स्क्वायर में वही आएंगे, 100 प्लस x में वही आएंगे, और 100 माइनस x के स्क्वायर में भी वही आएंगे। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन पे कैसे लागू करेंगे, तो सबसे पहली बात कि इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, और क्वेश्चन भी हमने ले रखा आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पेपर में आए हुए भी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद रखने का तरीका ये, हमको उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा क्योंकि संख्याओं का वर्ग थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो हम उम्मीद है कि 1 से 10 तक का तो आप लोग याद ही कर लिए होंगे। ठीक है ना, कुछ लोगों को तो सामान्यतः 11 से मतलब 1 से 20 तक का भी याद होगा। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत होती है कि 20 के बाद आगे संख्याओं का वर्ग कैसे याद रखें, तो देखिए बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से याद रखना है कि 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का ये तो सिंपल, 13 का 169, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का कितना होता है 400। ठीक है, 21 का वर्ग 441 होता है आपको, 22 का स्क्वायर 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का 625, 26 का स्क्वायर 676। ठीक है, कंफ्यूजन 24 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर में होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 24 का स्क्वायर देखिए 26 से पहले 24 है ना, तो 576। ठीक है, अब 24 के बाद 26 आया तो 676, तो 26 में 676, 24 में 576 याद रह जाएगा। ठीक है, 18 ये वाला सॉरी 28 है, 18 देखिए
28 का स्क्वायर कितना होता है 27, 784, 29 का स्क्वायर कितना 841, और 30 का वर्ग कितना होता है 900। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट है, याद कर सकते हैं। ठीक, हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसको हम मिटा दें थोड़ा सा, इस नोट्स को आप नोट्स को लिख लीजिएगा। अब बताने में हमको चूंकि समय लग रहा है तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है 40-96, कितना लिया है 40-96। इस 40-96 को देखते हैं, 40-96, अब हमको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल का मतलब आपको पता है कि संख्या रूप में। ठीक, इसके लिए ऑप्शन दिया है 32, 56, 64 और 72। ठीक, अब आपको देखना है कि 40-96 में जो आखिरी दो अंक है कितना है 96, आखिरी दो अंक कितना है 96, 96 किसके स्क्वायर में आता है। तो आप देखिएगा 96 किसके स्क्वायर में आता है, 14 के स्क्वायर में। देख सकते हैं ना कि आखिरी दो अंक जो आ रहा है 96, 196, ये किसके स्क्वायर में आता है, 14 के स्क्वायर में। ठीक, तो इसका मतलब कि अब ये जो आएगा ये 14 के स्क्वायर में आखिरी अंक दो ही वही आएंगे, 50 - 14 के स्क्वायर में भी वही आखिरी दो अंक आएंगे, 50 + 14 के स्क्वायर में भी आखिरी अंक दो ही वही आएंगे, 100 - 14 में भी वही आएंगे, और 100 + 14 में भी वही आएंगे। यही हमने मेथड लिखवाया था। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 14 का स्क्वायर, 50 - 14 घटाएंगे, 10 - 4 गया 6, और ये कितना बचा 4 में से गया 3, 36 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 10 में 4 गया 6, 86 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 114 का स्क्वायर। सारी बात समझ, हमने बोला कि सबसे पहले हमने दो अंक को देखा, सबसे पहले दो अंक कौन सा था 96। ठीक है, 96 के स्क्वायर में हमने ढूंढा कि किसमें स्क्वायर में आता है आखिरी दो, तो 14 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, अगर 14 के स्क्वायर में आता है तो 14 के स्क्वायर में भी आखिरी अंक दो मतलब 96 ही आएंगे, 50 + 14 के स्क्वायर में भी 96 ही आएगा, 50 - 14 के स्क्वायर में भी 96 ही आएगा, 100 - 14 के स्क्वायर में भी 96 आएगा, 100 + 14 के स्क्वायर में भी क्या आएगा 96 आएगा। ठीक, आप करके देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें से ऑप्शन क्या क्या है। तो भाई आप देखिए 14 के स्क्वायर, इसमें लास्ट अंक कहीं 14 दिख रहा है, नहीं है, 36 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 64 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा, यानी 64 हमारा क्या होगा ऑप्शन, बिल्कुल एकदम खटाक दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल देखा, हमने बोला 64 दिखा 64 पे, और बाकी कोई नहीं दिख रहा है, तो 64 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए 3-4, हम यहाँ पे इसको भी मिटाते हैं और उसको देखते हैं। चलिए आप बिल्कुल करिएगा, रफ पेन लेकर के देखिए, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस सेट लगाइए, देखिए कितना आधा ही जाएगा। 3-4 अंडर रूट वर्गमूल निकालना है 34,596। ठीक है, देखिए अब 96 दो अंकों को पकड़िए कितना है, तो ये किसके स्क्वायर में आता है 14 के स्क्वायर में भी वही आएगा, अभी हमने बताया 50 - 14 करेंगे तो कितना होगा 36 के स्क्वायर में वही आएगा, प्लस 50 + 14 करेंगे तो 64 के स्क्वायर में वही आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 86 के स्क्वायर में वही आएगा, 114 के स्क्वायर में भी वही आएगा। ठीक है, अब इसमें से ऑप्शन में ढूंढ लीजिए कौन सा अंक दिख रहा है आपको लास्ट वाला। देखिए 74 नहीं दिख रहा है, इसका ये भी नहीं होगा, 76 भी नहीं दिख रहा है, 204 ये भी नहीं दिख रहा है, 86 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन कितना है 86, तो यहाँ पे 86 दिख रहा है ना, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 4 नंबर सही हो जाएगा। इसका मतलब वर्गमूल कौन सा हो जाएगा इसका 186 का वर्गमूल, इतने का वर्गमूल कितना होगा 186। आसान लग रहा है, आगे बढ़े चलिएगा, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, चलिए देखिए एकदम ढाई नहीं आएंगे क्वेश्चन। ठीक, चलिएगा 3 नंबर 2 नंबर हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे हम। देखिएगा ये क्वेश्चन है 3 नंबर, देखते हैं अंडर रूट किसका बार निकालना है, 51, 900, 51, 9, 8, 4 और कितना हो गया 1। ठीक है, ये ऑप्शन है, इसके लिए कितना हो गया, अब देखिए 41 को देखिएगा, 41 किसके स्क्वायर में आता है, देखिए 41 किसके स्क्वायर में आता है, यहाँ पे 29 के स्क्वायर में आता है, 23 के स्क्वायर में भी आता होगा। ठीक है, 23, ठीक है, किसके स्क्वायर में आता है 41 किसके स्क्वायर में आता है, मात्र 29 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, और बाकी किसी में नहीं आता है, 21 के वर्ग में भी आता है, 21 के वर्ग में भी क्या होता है 41 आता है, आप लोग 421 का वर्ग कितना होता है 41। तो आप देखिएगा अगर एक की ये दो अंक जो आखिरी दो अंक है ये 21 के स्क्वायर में आएगा तो 50 - 21 करेंगे तो 29 के स्क्वायर में भी आएगा, 50 + 21 करेंगे तो 71 के स्क्वायर में भी आएगा, 100 - 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 - 29 घटा सकते हैं 100 - 29 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7 71 के स्क्वायर में भी आएगा, लिख ही दिए हैं। ठीक, और 100 + करेंगे 29 तो 129 के स्क्वायर में भी आएगा। ठीक है, अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 21 का स्क्वायर दिख रहा है, देखिएगा 29 भी दिख गया और 21 भी दिख गया, ये वाले तो दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई